गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफिस 3 में। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। सो गाइस, ये वो रूम है जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ और ये वॉलपेपर मैंने लगाया था वॉल पे, क्योंकि ये वाइट वाइट पूरे रूम में है वॉल, तो मैंने सोचा कुछ कलर चेंज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का वॉलपेपर लगाया था। बट अब मेरा इससे भी मन भर गया है, तो मैं इस वॉलपेपर को देखिए, मैंने यहाँ पे कितने गंदे तरीके से निकाला है। 1, 2, 3 लाइन मैंने निकाल दिया, तीसरे लाइन का वो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, सो वो मुझे निकालना है, क्योंकि बहुत टफ है इसको लगाना भी और इसको निकालना भी। लगाते समय भी हमें और डॉक्टर साहब को अराउंड 5 आवर लग गए थे, और निकालते ये 3 राउंड तो मैंने अकेले ही निकाला था क्योंकि डॉक्टर साहब ऑफिस थे, सो इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब ये 3 लाइन बचे गाइस। ये देखिए, यहाँ से एक ये है, एक वो है, एक वो, थर्ड 3 लाइन बची हुई है, तो उसको मैं निकालूंगी। और हाँ गाइस, आप लोग मुझे ये बताइए कि इस वॉल पे कौन सा कलर लगाऊं, क्योंकि मैं इसको निकालने के बाद यहाँ पे कोई और वॉलपेपर लगाना चाहती हूँ, तो कौन से कलर का वॉलपेपर लगाऊं जो कि इस रूम को बहुत ही सूट करे। सो ये मुझे आप लोग बताइएगा। तब तक मैं जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा, मैं उसे भी निकालती हूँ। फाइनली एक लाइन कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगे कम से कम 25 मिनट में एक निकला है और 2 और निकालने हैं, तो मैं निकालती हूँ। और एक चीज बहुत अच्छा है कि जैसे अगर आपके वॉल का कलर अगर व्हाइट है और आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वॉल पेपर लगाना ज्यादा बेहतर है, कि अगर आपका मन एक कलर से उग जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हो, बाकी तो कलर उसे कोई भी और वॉल पेपर लगा सकते हो, तो ये बहुत बेहतर है कि आपका दीवार भी खराब नहीं होता है और वॉल पेपर भी चेंज हो जाती है। जितना आसान है ना, ये उतना है नहीं। इवन हम लोगों ने लगाया था तो इतनी मेहनत नहीं लगी थी जितना इसको छुड़ाने में लग रहा है। इसको मतलब निकालने के लिए आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं भी अपना पेशेंस खो रही हूँ, बट मैं आज इसको पूरा निकाल के रहूँगी, ये दीवार क्लीन करके रहूँगी, क्योंकि मुझे घर को और सुंदर बनाना है तो मुझे मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। सो अब डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, सो चलिए मैं उनसे भी आपको रूबरू करा दूं। तो वो शर्मा गए हो गए वापस। सो बहुत टफ है, बट मैं इसको करके रहूंगी। मैं इसको निकाल रही हूँ, आप लोग मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सो गाइस, फाइनली ऊपर का पार्ट बचा हुआ है, तो ऊपर वाली लाइन थोड़ी टफ है निकालना। ये देखिए, उस साइड में भी हमने आधा निकाल दिया है और इस साइड में भी हम लोगों ने आधा निकाल दिया है, सो बीच का पोर्शन बचा हुआ है। सो अब जितना भी टाइम लगे, हाथ दर्द होने लगा, बट अभी भी इसको निकाल रहे हैं हम लोग। सो गाइस, अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक 6 बज रहे हैं और धूप में मैंने स्टार्ट किया था और रात हो गई है, लेकिन 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 फाइनली ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और घर की हालत देखिए, ये पूरी घर की हालत इतनी अस्त व्यस्त हो गई है। सो सब मिला के अब मेरे को चाय पीना है, चाय पीने के बाद मैं ये सारा समेटूंगी, तो चाय बनने को रख दिया है, तो चलिए चाय पी लेते हैं और आप भी पी लीजिए, उसके बाद मैं इसको फटाफट साफ करूंगी आपके सामने। तो यहाँ हो रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। सो चाय पत्ती शायद कम है तो मैं थोड़ी और डाल देती हूँ। सो हल्की सी चाय पत्ती और डाला है मैंने, लेकिन मेरे को बहुत हार्ड चाय पसंद नहीं है, तो इतना काफ़ी है। अभी थोड़े देर ये पकेगा, उसके बाद इसका कलर अच्छा आ जाएगा। सो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ अपने चाय के साथ, तो अभी मैं चाय के जूस की लूँगी और आप लोग के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगी, लोग पी लीजिए, फिर बाकी आप में से ही मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग जानते हैं, तो बाकी मैं पी लेती हूँ।
गाइस, घर फाइनली साफ हो गया है अच्छे से, सारा कुछ अपनी जगह पर लग चुका है। और अब एक काम आप लोग को करना है, आप लोग कलर प्लीज़ जल्दी बताइएगा कि किस कलर का मैं वॉलपेपर लगाऊं, जो कि इस रूम के हिसाब से बहुत ही अच्छा लुक आए। और बाकी जब वॉलपेपर लगाऊंगी उसके पहले मैं वॉल को एक बार साफ करूंगी, इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी है रूम में, सो वो वॉलपेपर लगने के बाद करूंगी, क्योंकि वॉलपेपर लगते समय भी बहुत सारी गंदगी होती है, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी का जो फ़िलहाल जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ कुछ। सो गाइस, ये देखिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है और इसको भी कलर भरना बाकी है, तो कलर भरने के बाद मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। उसके पहले मैं जा रही हूँ टेबल टेनिस खेलने। सो डॉक्टर साहब पहुँच चुके हैं और वो मुझे बुला रहे हैं कि चलो और टेबल टेनिस खेला जाए, थोड़ी देर टेबल टेनिस खेलेंगे, उसके बाद कुछ खाना बनाएंगे। आधे घंटे हो गए हम लोग को खेलते हुए और अब हम चलते हैं अपना ड्राइंग कंप्लीट करने। ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। आपने मेरी ड्राइंग देखी क्या? आपने मेरी ड्राइंग देखी? दिखाया ना आपने? चलिए दिखाते, चलिए दिखाते हैं। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में। सो किचन में मैं बनाने जा रही हूँ म्यूनिस पास्ता, क्योंकि जो आफ्टरनून में हम लोगों ने लंच बनाया था वो काफ़ी हैवी था, तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने भी मुझसे कहा कि कुछ लाइट बनाना। सो मुझे फटाक से क्या याद आया पता आपको, क्योंकि हम दोनों को म्यूनिस पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए म्यूनिस पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयारियाँ कर ली है। क्या क्या की है? मैंने इस पास्ता को बॉइल्ड कर लिया है और इसमें नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के इसको बॉइल किया है। इसको 80% हमने बॉइल करके निकाल लिया है। उसके बाद मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं, तो अनियन और मिर्ची को अच्छे से क्रश कर लिया है, और ये है हमारे पास गाजर। और आपके पास अगर इससे ज़्यादा भी वेजिटेबल हो, जैसे कि शिमला मिर्च और मटर और उसके अलावा भी जो भी चीज़ें हो आप डाल सकते हो। और उसके बाद ये मैंने टमाटर को अच्छे से क्रश कर लिया है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है म्यूनिस पास्ता के लिए वो है म्यूनिस, तो वो भी मैंने निकाल लिया है, मतलब प्लेटफॉर्म पे रख दिया है सारी चीज़ें। और अब जो हमारा पैन है वो गर्म हो रहा है और उसको मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। आप सरसों के तेल प्लस बटर डाल के बना सकते हैं, तो बटर इस समय मेरे पास ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। और सेकेंड चीज क्या वो याद आएगा तो मैं बताऊंगी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ गाइस, याद आया, मुझे याद आ गया, ये मैंने लहसुन भी थोड़ा सा काट लिया है, तो मैं लहसुन भी डालूंगी। तो मेरा पैन गर्म हो गया है और मैं तेल डाल रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने डाला है लहसुन, तो ये बहुत जल्दी ही लाल हो गया क्योंकि तेल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। तो अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, मिर्चा और ये गाजर। दो मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसको चलाएंगे। तो दो मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर। ये मैंने बस थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसको मैंने पीसा नहीं है, तो आप इसको पीस के डालेंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच म्यूनिस और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और अब मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है पास्ता, तो अब मैं वो पास्ता डालूंगी। तो पास्ता में सॉल्ट पहले से ही है, तो इसीलिए मैंने बाद में नहीं डाला, और अच्छे से इसको चलाऊंगी जिससे कि मसाला हर जाए, हर एक कोने में पहुंच जाए पास्ता के, तभी पास्ता काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में।
मेयोनीज डालने के बाद बहुत देर तक पकाना नहीं है, तुरंत पास्ता डाल देना है। पास्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आई थिंक मुश्किल से 10 सेकेंड बाद आप उसको ऑफ कर दें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमें डेकोर करने के लिए पास्ता को मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, जिसे देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। तो गाइस पास्ता रेडी है, और ये रहा आप लोगों के लिए। सो बताइएगा कि कैसा बना है, होप कि आप टेस्ट कर लिए होंगे। सो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और पूछते हैं कैसा बना है। सो ये पास्ता रेडी है। ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई। सो खा के बताइए पहले कैसा बना है। यम्मी, बहुत अच्छा है। सो डॉक्टर साहब कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। तो डॉक्टर साहब की तरफ से तो मुझे फीडबैक आ चुका है कि अच्छा बना है। सो पहली बाइट मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। सो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, कैसा बना है। और रेसिपी मैंने बहुत ही इजी ही रखी है, क्योंकि लहसुन प्याज और मिर्चा तो हम हर चीज़ में डालते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और गाइस, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज भी, कल भी और रहेगी भी। सो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यही एंड करती हूँ, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट।